सकते हैं नानार्थ पक्ष है, इसलिए यज्ञ तो करना चाहिए, यज्ञ तो एक अर्थ में नहीं है। और अंतिम में ये बोलते हैं नानार्थ पक्ष के बाद यज्ञ मूल पक्ष, ये लोक सृष्टि यज्ञ से ही हुआ है, यज्ञ के बिना यह सृष्टि नहीं हुआ। ऋषियों ने यज्ञ किए, देवताओं ने यज्ञ किए, ब्रह्मा ने यज्ञ करके ही हमारी सृष्टि व्यष्टि और समष्टि सृष्टि भगवान ने यज्ञ के द्वारा ही किया है। भगवान तो यज्ञ मूर्ति है, इसलिए यज्ञ सब धर्मों का आधार है, इसलिए इसको कभी भी नहीं छोड़ना है। जो तत्वज्ञानी लोग बोलते हैं वो तो नैनित्य न्याय में बोलते हैं, और नास्तिक लोग तो उनकी कुदृष्टि से बोलते हैं, इसलिए कभी भी यज्ञ को नहीं छोड़ना। यज्ञ को यदि छोड़ देंगे तो हमारा कलाचार, हमारा संस्कृति और हमारा राष्ट्र की उन्नति और जो परंपरागत तत्व धर्मों के निधि वो सब निकल जाएगा, छूट जाएगा। इसलिए यज्ञ को हमेशा रक्षा करना चाहिए। इसलिए प्रज्ञावाद भी बोलते हैं, प्रज्ञावाद एक बहुत अच्छा वाद है, अभी तो ज़्यादा नहीं बोल सकते, लेकिन यहाँ जो उपस्थित है मंच पर बहुत बड़े विद्वत लोग, ऐसा सब न्याय अन्याय पक्ष विपक्षों का जो आधार ये सबका संकलन करके एक किताब का रूप में प्रकाशन करना चाहिए। प्रज्ञावाद मैंने क्या बोलता है, एक आदमी बोलता है अरे हमारे दिल में सब कुछ है, हम सब कुछ हमारे दिल के अंदर ही कर देते हैं, मनोबल ही भगवान हमारा मन को ही वो वांछन करता है, हमसे क्या लेना चाहते हैं, हमारी बुद्धि ही वो लेना चाहता है, इसलिए यह सब हमन सब अनावसर है, ये सब निष्फल है, ऐसा कोई लोगों का वाद है। वो सब बहुत लोग हमारा दौर्भाग्य से आस्तिक लोग हैं, इसलिए वहाँ तो यह बोलना चाहते हैं हम, उसको प्रज्ञावाद बोलते हैं। यदि एक बच्चे हैं, बच्चे के ऊपर वो माता जी कैसे बोल सकती है क्या ऐसे, अरे मेरी जो बेटी है, मेरे बेटा हो, उसके ऊपर हमको बहुत प्रीति है, लेकिन वो रोने के समय में हम नहीं उठाएंगे, हंसने के समय में संतुष्ट नहीं हो जाएंगे, उनको कुछ भी नहीं खिलाएंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, इनको देखने भी नहीं, उनको सोचने भी नहीं, फिर बहुत प्रीति है हमारे ऊपर। प्रीति का प्रदर्शन होना चाहिए ना, प्रीति तो एक भाव मात्र नहीं है, भाव का प्रकटन भी है। इसलिए जो धर्म है, एक आदमी बोलता है वो आदमी बहुत बड़ा उदार है, वो किसको क्या किया, अरे कुछ भी वो नहीं किया परंतु बहुत बड़ा उदार है, अरे कुछ भी है कभी भी कुछ भी नहीं किए दिखाए तो वो भाव का विकास, वो भाव का प्रकाशन, वो भाव का प्रकटीकरण और एक क्रिया से उसका प्रदर्शन नहीं है तो वो भाव का क्या लक्षण है, वो भाव का क्या प्रयोजन है। इसलिए उदार भाव, ज्ञान भाव, ये वो आदमी बहुत बड़ा पंडित है, ये कुछ बोलने के लिए बोलो हम कुछ भी नहीं बोल सकते, कुछ क्या कुछ समझ लिया आप, कुछ भी समझ लिए मैंने, मैं कुछ क्या पंडित है, पंडा मैंने निष्कलंक ज्ञान, वो ज्ञान का वचन में, लेखन में, नहीं तो साक्षात्कार में, दृष्टि में, स्पर्श में, कोई अप्राकृत प्राकृत उपाय से उसको प्रदर्शन करना चाहता है ना, अरे करना चाहिए, नहीं तो बिना उनका गुण का लक्षण क्या, प्रयोजन क्या। इसलिए तो प्रज्ञावाद में बोलते हैं हम सब हमारे अंदर ही है, ऐसा नहीं बोल सकते, क्योंकि आहार औषध न्याय शास्त्र में बताते हैं, आहार औषध न्याय, यदि तुमको खाना चाहिए दिल से नहीं खाते हो, हाथ रख के वो खाते हो ना, अरे मिट्टी को रखेंगे तो तुम खा सकते हो क्या, और आहार में जितनी जागृति है तुमको, और यदि शरीर के लिए कुछ बीमारी आ जाएगी, जितनी जागृति है दिल से हमारी औषध को तुम ले सकते हो। इसलिए शास्त्र में ये बता दिए हैं प्रज्ञावाद में, जो दिल से आहार ले सकते हैं, जो ध्यान से औषध ले सकते हैं, वो ध्यान से भगवत साक्षात्कार भी ले सकते हैं, उनके ये एक और अनुष्ठान तो अनावसर है। बाकी लोगों तो सिर्फ मोह से बोलते हैं, नहीं तो आलस्य से बोलते हैं, नहीं तो भ्रमा से बोलते हैं, हमको कुछ भी नहीं चाहिए, क्यों तुम बोलते हो, आलस्य है वो सब करने के लिए, तुम तो आलस्य हो इसलिए ऐसा बोलते हो, वो तो आलस्य हो, मोह से बोलते हो, तुम मानते हो हम बहुत बड़े हैं इसलिए मोह से बोलते हो, ब्रह्मा से बोलते हो, जो बड़े लोगों के अनुष्ठान है वो देखिए, सक्सेस वाला तो बहुत कुछ काम करता है, नीचे बैठ को चुप बैठ के देखो, तुम क्यों वहाँ जाके वो सब उनका काम, तुम तो उसका परिपालन नहीं तो उसका प्रतिरूप तुम क्यों करना चाहते हो। इसलिए ब्रह्मा तो एक गुण है, जो बहुत बड़े लोग हैं उनका अनुष्ठान यदि तुम करना चाहते हो वो तो ब्रह्मा, तुमको खुद बहुत बड़े समझ के तुम बैठे हो तो मोह, कुछ भी नहीं करना चाहते हो, सब दिल के अंदर तुम सोचते बैठे हो वो तो आलस्य, ये तीन गुणों से हम बोलते हैं वो नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए। लेकिन हम सब प्रज्ञा लोग हैं, हमारे पास तो प्रज्ञा है, कुछ आएंगे तो हमको रोते हैं दुख का समय में, आनंद का समय हंसते हैं, इसलिए हम खाते हैं, हमको क्षुद्ध है, हमको पिपासा है, हमको इच्छा अनिच्छा, ये सब जो जो गुण है वो गुण का आकार है हम, इसलिए हम ऐसा दूसरी दृष्टि में, विपरीत दृष्टि में नहीं बोलना, हमको पूजा नहीं चाहिए, हमको आचार नहीं चाहिए, अनुष्ठान नहीं चाहिए, क्रतु नहीं होना चाहिए, ऐसा सब दुर्बुद्धि से, वो दुर्बुद्धि वासना से ऐसा हो रहा है। इसलिए सब लोग, सज्जन लोग यहाँ जो उपस्थित है, आप ये समझना चाहिए कि हम सब सामान्य प्रज्ञा लोग हैं, प्रज्ञाहीन बहुत बड़े विशिष्ट महर्षि लोग नहीं है। इसलिए जितने विशिष्ट महर्षि लोग, वो भी हमको रास्ता दिखाने के लिए उन्हें यज्ञ किए हैं, वो ही यज्ञ किए तो आप लोगों को क्या काम है दूसरा काम ये करने के बिना। इसलिए बहुत बड़े लोग से सोचते हैं अरे हम नहीं करेंगे तो हम छोड़ देंगे तो वो लोग भी छोड़ देंगे, इसलिए उनका
मार्गदर्शन के लिए हम करना चाहिए, वो सोच के वो तो लोक संग्रह के लिए वो भी करने वाला है, इसलिए वो तिलक धारण नहीं तो कर्णभूषण। यदि बहुत बड़े पंडित लोग भक्त लोग छोड़ देंगे तो अरे इतना बड़ा भक्त लोग वो छोड़ देंगे, वो नहीं डाले क्यों हम डालना चाहिए, ये सब दुर्बुद्धि की प्रकटना दुनिया में आ जाएगी, रास्ता में वो सब वो कुमार्ग में कुपंथा में चल जाएंगे, इसलिए देखना चाहिए। ये प्रज्ञावाद का लक्षण है। और आजकल जो देख रहे हैं वो सब यज्ञ में कितना दोष है देखिए। पहला दोष तो अर्थाभाव, अर्थ ज्ञान किसी के पास भी नहीं है, ज्यादा हवन में अर्थाभाव, अर्थ नहीं अर्थ समझ के नहीं करते हैं। और आशाग्रस्त सब लोग बहुत वो मंत्र भक्ति से भी आशा आशा तो होना चाहिए। अरे आशा जैसे एक शर्करावृत दवाई जानते हैं, एक दवाई के ऊपर देखेंगे तो कुछ शर्करा का मिलन होगा, लेकिन दवाई ज़्यादा होना चाहिए और शर्करा का आवरण तो कम होना चाहिए। यदि शर्करा ज़्यादा है दवाई कम हो उसे क्या करोगे, ऐसा आशा कुछ होना चाहिए हमारे लिए, बहुत आशा उनके ऊपर होना चाहिए जिससे वो फल भी मिलेगा और भक्ति भी बढ़ जाएगी। यदि हमारे ऊपर हमारा प्रतिफल के लिए आशा अधिक है उनके ऊपर कम है, अरे आपके पास आशा ही होना चाहिए, नहीं तो आप तो जानवर है मानव नहीं है, आशा होना चाहिए। लेकिन किसके ऊपर अधिक रखना कहाँ कम रखना वो प्रतिशत जानना चाहिए। आपके ऊपर आपका पशु पुत्र ऐश्वर्य शांति ऋण विमोचन शत्रुओं से विमोचन होना ही चाहिए, नहीं तो भगवान किसके लिए, हमारा उद्धार के लिए। लेकिन जो चाहिए उसके ऊपर कम रखिए, जो हमारे दाता है उनके ऊपर बड़ा रखिए ज़्यादा रखिए, वो तो एक निर्माण है, ये तो प्रमाण है शास्त्र का। इसलिए आशायुक्त और दोष भरित लोप भरित होम करते हैं हम, विधि विहीन अभी तो विधि कुछ भी नहीं है, ज़्यादा भी विधि नहीं है अभी, और विधि विहीन करते हैं अकाल हो। अभी तो मैंने सुना अश्वमेध यहाँ करते हैं राजसूय कर रहे हैं, अरे करने के लिए कर्तव्य यष्टि इतना नित्याराधन में है, नित्याराधन कोई भी नहीं करते हैं, और दिव्य क्षेत्रों में पवित्रोत्सव मंगलोत्सव ये सब आराधन के लिए बहुत याद बहुत जो जो करना चाहिए वो सब बोले छोड़ दिए, वो सब छोड़ गए। तुम तो यहाँ अश्वमेध जो जो ये काल में अकाल है करने के लिए निषिद्ध वो सब क्यों कर रहे हैं, ये तो विपरीत बुद्धि है ना, ये तो अकाल। और एक दोष है उसको क्या बोलते हैं त्वरित, अरे हम तो घड़ी देखे रहते हैं दो घंटे में करना चाहिए त्वरित, मैंने जल्दी करो जल्दी करो। यदि एक मैंने एक हवन में बोला, यदि एक वैद्यशाला में एक चिकित्सालय में अंदर बैठे हैं डॉक्टर के साथ तब बताएंगे दो घंटे में करो तीन घंटे में करो, त्वरित नहीं करना। और एक दोष है संक्षिप्त, संक्षिप्त मैंने तो दो तीन दिन में जो करना चाहिए वो तो एक दिन में करना एक घंटे में करना, तो जल्दी जल्दी करना तो त्वरित है, बहुत छोड़ के करना तो संक्षिप्त है, संक्षिप्त ये लोग करना चाहते हैं। ये सब आजकल का लक्षण है, वो यदि से कैसे फल मिलेगा, फल भी संक्षिप्त बोला जाएगा, फल तो आपको विस्तार। और ये भी और एक है, और एक बहुत बड़ा अपाय है, उसको बोलते हैं कुविस्तार। क्या बोलते हैं कुविस्तार, विस्तार मैंने विस्तार का रूप में करना चाहिए हवन, वो हवन की प्रक्रिया विस्तार नहीं करते हैं, वो तो छाया चित्र लेना वो वीडियो खींचना और गाना सुनाना वो सब जो याद में उपांग है वो उपांग तो बहुत लंबा रूप में वो तो करते रहते हैं दो घंटे तीन घंटे तक बहुत कुछ। यदि एक शादी में देखेंगे तो मंत्र पूर्वक शादी तो बहुत कम है, उनका जो आडंबर है उसमें तो ज़्यादा कर रहे हैं, वो तो 40 मिनट में हो सकता है लेकिन 4 घंटे के अंदर वो गाने वाला गाते रहता है, शादी को कुछ भी संबंध नहीं, वो गाना उस शादी को कुछ भी संबंध नहीं, ये सब तो चल रहा है। उसको क्या शास्त्र में बोलते हैं कुविस्तार, वो विस्तार ही है परंतु वो विस्तार की पद्धति तो कुविस्तार, वो दुर्मार्ग में चल रहा है, सन्मार्ग में शास्त्रयुक्त नहीं है, ये सब यज्ञों का दोष है। ये सब निवारण करने के लिए हम एक दृष्टि रखना ही चाहिए, यज्ञ से क्या फल हमको मिलेगा, यज्ञ से हमको क्या फल मिलेगा, बहुत यज्ञों का आचरण करने के लिए योग्यता मिलेगी। ये यज्ञ हम बराबर करेंगे तो बार बार अच्छा यज्ञ करने के लिए हमको सौभाग्य मिलेगा, वो बहुत बड़ा फल है। और यज्ञ से आत्मपुष्टि मिलेगी, आत्मपुष्टि मिलेगी और दिल की शांति मिलेगी। और विशिष्ट यज्ञ है शाम के लिए, अराजक के लिए, कुराजा के लिए, राज्य भार के लिए, पशु पक्षी प्राणियों की पीड़ा के लिए, और अंतर्राष्ट्रीय विभागों में जो कला होता है युद्ध अपाय युद्ध में जय सबके लिए अलग अलग प्रकार का हवन है, वो ज़्यादा भी लोग आजकल नहीं कर रहे हैं। और हमारे लिए भी पुत्र प्राप्ति के लिए ऐश्वर्य वृद्धि के लिए बहुत कुछ है, लेकिन शास्त्र में बताया अंग उपांग विभागांग होना चाहिए। अंग मैंने गुणांग, जो हवन कर रहा है हवन करने वाला कराने वाला सबको गुण का आयोजन भी होना चाहिए, उनका दिल में यदि वो शक्ति है लेने के लिए क्या शक्ति, आर्जव प्रीति लोक कल्याण सत्य वैराग्य ये सब गुण इनके अंदर होगा तो उसके साथ मिलकर हवन की शक्ति भी काम करेगा। वो हवन का दिन छोड़कर सब जो जो किए वो सब बुरा काम है, सिर्फ एक दिन सुबह से रात तक तो हवन किया है, वो दोनों मिलकर कैसे काम करेगा। इसलिए जो करने वाले हैं कराने वाले हैं
धीरे धीरे यज्ञ के लिए भगवत सामीप्य।